हे विवान, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो भी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहा लिया है मैंने। पूजा पाठ अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो जो क्या लगा है, पितृपक्ष लगा है, तो पूजा वूजा भी बहुत कम ही हो रहा है। दूध बॉयल हो रहा है, मुझे अपने लिए जूस बनाना है, उसके बाद इन लोग का नाश्ता मुझे तैयार करना है। तो चलिए, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए पहले फटाफट अपना काम धाम शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे बहुत सारी। क्या तो आ गई मैं किचन में, और जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी का दूध वगैरह बॉयल करती हूँ, इनका बोतल वगैरह चढ़ाती हूँ। और किचन वगैरह मेरा रात को ही क्लीन रहता है, बर्तन वगैरह धुले रहते हैं। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, और इसमें एक्सरसाइज भी किया जाता है। तो देखिए, मेरी एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है काम करते करते, क्योंकि घर के पूरे काम मुझे करने पड़ते हैं, तो मेरी एक्सरसाइज ना बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मुझे एक्सरसाइज नहीं उतनी करनी पड़ती है, ना ही ज़रूरत पड़ती है उसकी, और ना ही मेरे पास वक्त ही है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है दो बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें करना। तो जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं उतना कोशिश करती हूँ करने का। तो यहाँ पर अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त था, तो मैंने सोचा अपना जूस बना लेते हैं। और यहाँ पर ये चुकंदर मैंने लिया है, गाजर, खीरा, लौकी, इसका मैं जूस बनाऊंगी। सबसे पहला मेरा काम यही रहता है, सबसे पहले मैंने पानी एक गिलास पिया था, अभी पिया नहीं है। यहाँ पर अभी का बॉटल मैंने बॉयल किया है, तो उसके ऊपर ग्लास में पानी भरकर मैंने रख दिया है। तो जब तक ये सारी चीज़ें मैं कट करूँगी ना, ये पानी गुनगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद इसके पहले मैंने दवाइयाँ खाई है, जो कि मुझे खाली पेट खानी रहती है। और यहाँ पर पानी गुनगुना हो जाएगा, उसको पियेंगे, साथ में ये मेरा जूस जो है तब तक तैयार हो जाएगा। तो इसको पीने के 3-4 घंटे या 2-3 घंटे, मुझे ऐसे भी भूख नहीं लगती और कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। और आप लोग सब लोग कह रहे थे कि आप सबके लिए तला भुना बनाती हैं, आप कैसे अपने आप को रोक पाती हैं, आप नहीं खा पाती हैं। तो देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जो मुश्किल काम है। अगर आपने ठान लिया ना, तो पक्का आप करके ही रहेंगी। तो ऐसे मैंने भी ठान लिया है कि मैं तला भुना बिल्कुल नहीं खाऊँगी, तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है। पतिदेव समोसे वगैरह लाते हैं, मैं बिल्कुल भी छूटी तक नहीं हूँ, मैं ही निकाल कर प्लेट में देती हूँ, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, एक भी पीस मैं नहीं लेती, थोड़ा सा टुकड़ा भी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ऑयल नहीं खाना है, मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना है और अपना वजन भी कम करना है। तो इसलिए जो है मैंने सारी चीज़ों को बंद किया है और अपने आप को कंट्रोल किया है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपने ठान लिया दिल से ना, तो आप पक्का कर जाएंगे। तो यहाँ पर जूस मैंने फटाफट छाना। और देखिए, हम औरतों के लिए ना, अपने लिए कोई भी काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एक आध दो दिन मुझे भी थोड़ा सा बोझ लगा कि 1 घंटे काटो, जूस बनाओ। अगर किसी को देना हो ना, तो हम लोग बहुत आराम से कट पिट करके दे देंगे, लेकिन अपने लिए करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं फटाफट मैंने जूस निकाल लिया है ग्लास में, तो मेरा थोड़ा बहुत ना काम भी होता रहेगा, साथ में मैं जूस वगैरह भी पीती रहूँगी। एक इकट्ठा बैठकर मैं नहीं पी पाती हूँ, तो काम करते करते मैं पी जाती हूँ आराम से। और आप लोग भी पी सकते हैं, ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है और भूख भी कम करता है। और यहाँ पर मैंने पानी पिया, और थोड़ा थोड़ा मैं अपना पीती हूँ और पतिदेव को भी पिलाती हूँ। हम दोनों मियाँ बीबी ये वाला चैलेंज हम दोनों ने एक्सेप्ट किया है, तो हम दोनों करते हैं। तो उनको भी मैं थोड़ा सा बना कर देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो भी थोड़ा बहुत तला भुना कम करते हैं, लेकिन मेरा तो मसाला वगैरह सारा कुछ बंद है, वो थोड़ा सा मसाला वगैरह फिर भी खा लेते हैं। तो जूस वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैंने कमर कस ली है, और अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ, इन लोग का नाश्ता। तो पतिदेव का नाश्ता लगाते हैं, क्योंकि इनको लेट हो जाता है थोड़ा सा जाने में। तो कल बना था पनीर चिल्ली, तो रोटी बनाएंगे साथ में, और पनीर चिल्ली है ही है, तो ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस रोटी सब्जी हो जाएगी। तो पतिदेव का नाश्ता देकर आते हैं, उसके बाद भी जो है बहुत सारे अभी काम मेरे पड़े हुए हैं, वो सारे कुछ काम जो है मुझे ख़त्म करने हैं। और मेरा नाश्ता समझिए हो गया है, 2-3 घंटे बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स खाऊंगी। फ्रूट्स में है पपाया और एप्पल,
दो ही चीज़ आज है, तो ये दोनों मैं खाऊंगी कट करके। और फिर ये आ गई अगले दिन मॉर्निंग की रूटीन, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, कुछ मेहमान आ गए थे इसकी वजह से। तो यहाँ पर फटाफट मैं आ गई हूँ रूम में, और सबसे पहले मैं अपना रूम जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि हर हाउसवाइफ को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे पास ना बहुत सारे काम हैं, पूरा घर का ए टू जेड काम मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह सही करेंगे, फिर जो है उसके बाद, अभी आज मैंने नहाया नहीं है क्योंकि अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे ही मैं उठ चुकी हूँ। मैंने सारा काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा किया, यहाँ पर सब लोग सो रहे थे, अभी मेरा क्यूटी उठ चुका है, छोटा वाला सासू माँ के पास है, और अभी गए हैं दूध लेने पापा के साथ। तो मैंने सोचा फटाफट बिस्तर वगैरह क्लीन कर देते हैं, उसके बाद नहाने जाएंगे, नहीं तो ये बिस्तर ना कम से कम 9:30 ऐसे ही सही करते थे हम। लेकिन आज टाइम था मेरे पास, तो मैंने इसको फटाफट से क्लीन कर दिया है, और अभी जो है काम मेरा ख़त्म हो चुका है, दिखाते हैं आपको। अभी नीचे झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि ये दरी पर ना सीख वाली झाड़ू से लगाओ तभी क्लीन होता है, और फूल वाली से अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दरी भी मेरी क्लीन हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, मिलूँगी आप लोगों से नहाने के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, नाश्ता वगैरह की तैयारी करनी है। तो कम से कम 11:30 बज जाएगा आपसे मिलेंगे तो। तो चलिए फिर फटाफट झाड़ू लग चुकी है, अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, मैं तो वापस आऊँगी और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है मेरा वेट लॉस का 4th दिन, और कैसा रहा 4th दिन मैंने आज आपके साथ पूरा शेयर कर दिया है, पूरा ज़रूर देखना फ्रेंड्स। गए थे कुछ मेहमान, जिसकी वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, और कल मेरे वेट लॉस का 4th दिन था, तो जो है रात ब्रेकफास्ट तक मैंने दिखाया था, मैंने जूस पिया था, उसके बाद मैंने पपीता सेब खाया था, और फिर जो है 3:30 बजे मैंने एक गिलास दूध लिया था मलाई निकाल कर, और उसके बाद रात को मैंने दाल पी थी, बस सिर्फ और सिर्फ दाल पी थी बस। तो ये मेरा पूरा दिन का था, और आज है ये 4th दिन है शायद, हाँ चौथा दिन है। तो ये ब्लॉग अगले बार जब मैं शेयर करूँगी इसके बाद, तो उसमें आपको मिलेगा, लेकिन अभी ये वाला ब्लॉग अधूरा था, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ब्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू कर पाना, इसलिए मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ब्लॉग अपलोड करती हूँ, और इसी में मैं भूल भी जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।